हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो मैं आज आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, कैसे सॉल्व करते हैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस डिप्लोमा आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है और ये 10 to 15 मार्क्स रहेगा। तो इसे क्वेश्चन के हिसाब से कैसे ड्रॉ करना है आपको बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ और थ्योरेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं इसको भी बता रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। सो गाइज, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लास्ट तक वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए लाइन ए बी मेजरिंग 60 mm is placed parallel to HP and perpendicular to VP. One of its end is 25 mm above HP, 20 mm in front of VP and 30 mm from the right profile plane. Draw its projection. तो फर्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स पे एक्सवा लाइन पे ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सवा लाइन बोलते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये वर्टिकल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। आपको क्वेश्चन में राइट प्रोफाइल प्लेन बोले तो ये राइट प्रोफाइल प्लेन ये यहाँ पे होगा। अगर लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन बोले तो आप लेफ्ट पे लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ए लाइन ए बी मेजरिंग 60 mm, मीन समझिए कि आपका ये पेंसिल लाइन है जो 60 mm की है और ये पॉइंट एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है। ये लाइन है मेजरिंग 60 mm, मतलब ये टोटल लाइन 60 mm की है। इज प्लेस पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। पैरेलल टू एचपी मीन्स ये ऐसा होगा, पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी, तो पेंसिल ऐसा रहेगा आपका, मीन्स जो लाइन है आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वन ऑफ इट्स एंड इज 25 mm अबव एचपी, मीन्स ये पेंसिल आपका 25 mm अबव एचपी, एचपी से 25 mm अबव है, ठीक है। एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के इन फ्रंट 20 mm डिस्टेंस है, ठीक है। तो वीपी से आपको 20 mm डिस्टेंस है, तो आपका पेंसिल यहाँ पे है। उसके बाद आपको देखना है कि ये पेंसिल, आपको सामने से देखना है कि ये पेंसिल कहाँ से दिख रहा है। यहाँ से देखे तो आपको ये पेंसिल की एक डॉट दिखेगी, तो फ्रंट व्यू में आपके वीपी पे आपको एक डॉट मिलेगा, ठीक है। वीपी पे आपको एक डॉट मिलेगा सामने से, फ्रंट से देखेंगे तो। अगर आप इसको, ये पेंसिल को, ये लाइन को अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको एचपी पे एक लाइन मिलेगी जो 60 mm की लाइन है, बिल्कुल ऐसी एक्सवा लाइन से परपेंडिकुलर मिलेगी एचपी पर। अगर राइट प्रोफाइल प्लेन है तो राइट प्रोफाइल प्लेन पे आपको ये लाइन, जो लाइन आप देख रहे थे, ये लाइन को आपको लेफ्ट से देखना है, यहां से देखना है। तो अगर आपको ये लाइन को देखेंगे तो आपको लाइन ऐसी राइट प्रोफाइल प्लेन पे मिलेगी आपको, ठीक है, ऐसा मिलेगी। अगर इसको आप ओपन करेंगे 90 डिग्री तो ऐसा मिलेगी। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्सवा लाइन ड्रॉ करना है, एक्स वाई, और ये ऊपर वर्टिकल प्लेन होता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन में राइट प्रोफाइल प्लेन दिया तो आपको सॉल्यूशन लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। अगर लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन दिया तो आपको सॉल्यूशन राइट से स्टार्ट करना है। तो राइट प्रोफाइल प्लेन के लिए आपको सॉल्यूशन लेफ्ट से स्टार्ट करना है, मीन्स वो 60 mm की लाइन कितनी ऊपर और कितनी नीचे है आपको देखना है। तो इस प्लेस दिया हुआ क्वेश्चन में वन ऑफ इट्स एंड इज 25 mm अबव एचपी, तो सबसे पहले 25 mm अबव एचपी लीजिए, ठीक है। एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स नीचे आपको लेना है, वीपी के इन फ्रंट 20 mm, तो वहीं से एक्सवा लाइन से 20 mm नीचे लेना है, ठीक है। तो आपको मैं बोला था आपकी लाइन जो 60 mm की लाइन ए बी है पैरेलल टू एचपी है,
तो आपको मैं बता रहा था वीपी पे आपको एक डॉट मिलेगा फर्स्ट, तो यहाँ पे डॉट डाल दीजिए और यहाँ पे आपका एंड परपेंडिकुलर टू वीपी बोल रहा, तो वो परपेंडिकुलर टू वीपी मींस एचपी पे आपको एग्जैक्टली 60 mm की लाइन परपेंडिकुलर मिलेगी ऐसा, तो 60 mm की लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लेबलिंग कीजिए, ये एक लेबलिंग कीजिए और ये बी लेबलिंग कीजिए। अब ये लाइन को अगर आप नीचे से देखेंगे तो ए दिख रहा है, ए आपको विजिबल रहेगा, तो ए बोले तो ए विदाउट ब्रैकेट में लिखना है ए डैश के साथ। बी भी आप बी को आप नीचे से देखेंगे तो बी नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, तो उसको इनविजिबल को ब्रैकेट में लिखते हैं बी डैश। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू होने के बाद इसके डायमेंशन बताइए आप, ये लाइन कितनी लिए, ये कितनी हाइट लिए, ये लाइन की लेंथ भी बताइए। ये तो डायमेंशन बताने के लिए आपको डायमेंशनिंग लाइन लेके एरो मार्क के साथ ये लाइन आपकी 60 mm है, ठीक है। और अब ये लाइन कितनी है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm लिए हम, ये 20 हो गई, और 25 mm अबो एचपी आपको 25 mm हो गई। उसके बाद आपको ये दोनों प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्रोजेक्टर कहते हैं, तो यहां से आपको एक डिस्टेंस देगा राइट प्रोफाइल प्लेन तक। तो देखिए आपका 30 mm फ्रॉम राइट प्रोफाइल प्लेन, तो ये 30 mm आपको ये प्रोजेक्टर से 30 mm लेना है और राइट प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करना है, एक डॉट ये राइट प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ कर लिया, इसको राइट प्रोफाइल प्लेन लिख दीजिए और ये X1 Y1 भी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या करना है आपका, मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए 45 degree एंगल पर, ये प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर लेके 45 degree एंगल यहाँ से ड्रॉ करना है, तो यहाँ से 45 degree एंगल की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। उसके बाद आपको ये ए बी लाइन से 45 degree लाइन तक प्रोजेक्शन लाइन लेना है और ऊपर लेना है, कैसे के बोले तो बता रहा हूँ आपको, ए से 45 degree एंगल तक फिर ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस लेना है एक्स वाई लाइन से और यहां से पैरेलल लाइन, ये 45 degree एंगल तक ले लिया और ये ऊपर। उसके बाद ये पॉइंट्स कितने हैं ए डैश और बी डैश है, तो यहां से भी प्रोजेक्शन लाइन लेना है ऐसे। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को देखते हुए कहां पे मीट हो रहा है वहां पे पॉइंट डाल दीजिए, ए और ए डैश कहां पे मीट हो रहा यहां पे, तो यहां पे आपका ए डबल डैश हो जाएगा, और ये बी कहां पे मीट हो रहा यहां पे मीट हो रहा, ये आपका बी डबल डैश हो जाएगा। तो ये लाइन मिल रही है आपकी ए से बी, तो इसको भी आप डार्क कीजिए, ये आपका लेफ्ट साइड व्यू मिल गया। तो कैसा लेफ्ट साइड व्यू बोलते, तो फ्रंट व्यू को आपको लेफ्ट से देख रहे हैं तो आपको ये लेफ्ट साइड व्यू मिल जाएगा, तो इसको लेफ्ट साइड व्यू बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया सॉल्यूशन आपका। तो क्वेश्चन में कितने भी डायमेंशंस दिया है आपको पूरे बताना है, 60 में बता दिया और 25 भी बता दिया और 20 भी बता दिया और एक 30 mm नहीं बताया, तो 30 mm भी बता दीजिए कि यहां से यहां तक प्रोजेक्टर से आरपीपी तक 30 mm लिए हैं आप, तो ये 30 mm बता दीजिए। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम का। प्लीज गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको एक सोल्यूशन इजीली समझ में आएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए, धन्यवाद।